नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत एक सब स्कीम, ये हमारे पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसमें एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि जो हमारे पैक एनिमल्स होते हैं यानी कि भारवाही पशु जैसे कि घोड़े, ऊंट, गधा, खच्चर आदि की संख्या देश भर में घट रही है और देसी नस्ल की कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं, तो इसलिए पशुधन एवं पोल्ट्री की प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने के लिए तथा फॉडर और फीड की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत ब्रीड इंप्रूवमेंट, नस्ल को सुधार करने के लिए ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बनाने का काम हो रहा है, अच्छी क्वालिटी के फॉडर के सीड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं और इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स के रूप में कोई व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, फार्मर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबको 50% कैपिटल सब्सिडी इसका प्रावधान दिया गया है और जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपया रखी गई है। इसके अतिरिक्त पशुधन का इंश्योरेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य भी किए जाते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा विस्तार में अगर आपको कहूं तो पैक एनिमल्स जैसे कि घोड़े, ऊंट, गधा, खच्चर के ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के कार्यों को भी लिया जाएगा और पशुधन जैसे कि पोल्ट्री और पैक एनिमल्स के ब्रीडिंग फार्म को स्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ देश में फॉडर की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड तथा नॉन फॉरेस्ट वेस्ट लैंड, चारागाहों, बंजर भूमि में भी फॉडर के प्रोडक्शन यानी कि चारा के प्रोडक्शन के कार्य को भी लिया जाएगा। तो इसके प्रोडक्शन को प्रोत्साहन देने के लिए गोडाउन की सुविधा हो, रिसीविंग शेड हो या फिर ड्राइंग प्लेटफॉर्म या मशीनरी हो, इसके लिए भी कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। इंश्योरेंस को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रकार के पशुधन जिसमें अब पैक एनिमल्स को भी इंश्योरेंस करने का लाभ मिलेगा। अब इसमें एक समान इनको प्रीमियम देना पड़ेगा। पहले लगभग 20% से लेकर 50% तक प्रीमियम देना पड़ता था, अब 15% ही प्रीमियम देना पड़ेगा और इंश्योरेंस की सुविधा सुअर और खरगोश, पिग और रैबिट को छोड़कर 5 कैटल यूनिट की बजाय अब 10 कैटल यूनिट के लिए उपलब्ध होगी। और जैसा मैंने कहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए भी चैलेंज मेथड के आधार पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को 50% तक सब्सिडी, अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की सहायता इसमें भी मिलेगी। इससे हमें लगभग 20 लाख से ज्यादा किसानों को चारा के प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए और पशुधन संबंधी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और पशुओं की इंश्योरेंस और छोटे और सीमांत किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इससे फीड और फॉडर इसके उत्पादन के क्षेत्र में भी और बढ़ावा मिलेगा, उसकी उपलब्धता बढ़ेगी और जो हमारे पैक एनिमल जैसा मैंने कहा घोड़ा, ऊंट, खच्चर, गधा आदि, इनके भी जेनेटिक इंप्रूवमेंट को बल दिया जाएगा।